हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मैक्सवेल लेमा की कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूजली हम यूज करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम को पहले से लिख के रखा हुआ है। इस प्रॉब्लम में क्या है, इसमें कहा गया शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्किल। गिवन फिक्स्ड सर्किल, एक यहाँ पे सर्किल गिवन है, फिक्स्ड सर्किल गिवन है, तो इसका मतलब ये, इसका मतलब है कि सर्किल का जो रेडियस होगा वो कांस्टेंट माना जा रहा है। अब उसके अंदर एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया जा रहा है, रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया जा रहा है, तो यहाँ पे एक सर्किल हमारे पास गिवन है। एंड वी इंस्क्राइब आवर रेक्टेंगल इन इट। इंस्क्राइब का मतलब जो रेक्टेंगल के वर्टेक्स होंगे वो सर्किल के सर्कमफेरेंस पर होंगे। तो इसमें ये बोला द स्क्वायर इज द मैक्सिमम एरिया। इसमें जो रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया है, इसकी एरिया अगर मैक्सिमम होती है तो ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्किल गिवन है, तो इसका रेडियस कॉन्स्टेंट होगा, इसके रेडियस को हम कैपिटल आर से काउंट कर लेंगे। Let radius of circle, this is equal to r, ये given है, ये fixed है, क्योंकि ये given fixed circle में radius भी fixed होगी, r की value fixed है, तो इसको एक constant की तरह consider करेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है, इस given fixed circle में रेक्टेंगल को अगर इंस्क्राइब किया जाए तो उसका एरिया मैक्सिमम होगा। देन वी हैव टू प्रूव सपोज दैट दिस रेक्टेंगल इज एबीसीडी, इसका लेंथ एल कंसीडर कर रहे हैं, ब्रेथ भी कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें क्या प्रूव करना है, और मैक्सिमम एरिया और मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया अगर मैक्सिमम तो हम क्या प्रूव करना है, ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर होने का मतलब इसके लेंथ और ब्रेथ दोनों साइड इक्वल होंगे, जिसका मतलब क्या हुआ, और मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एल इक्वल टू बी। ये हमको प्रूव करना है, एल इक्वल टू बी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये हम इसमें जिस क्वांटिटी को मैक्सिमम या मिनिमम करना चाहेंगे उसके लिए हमें फंक्शन जनरेट करेंगे। किस क्वांटिटी को हमें मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम एरिया, और ये एरिया किसकी है, रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की एरिया के लिए हम फंक्शन लिखेंगे, उस फंक्शन को हम वन वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सपोज दैट दिस इज ए, देन ए इक्वल टू एल इनटू बी, दिस इज इक्वेशन 1। अब यहां पे ये दो वेरिएबल में, इसमें एक वेरिएबल को हमें रिमूव करना है। एक वेरिएबल को रिमूव करने के लिए आपको जो गिवन क्वांटिटी है उसकी हेल्प लेनी है। गिवन क्वांटिटी में क्या है, आप इसकी हेल्प से, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह कंसीडर करेंगे, तो आर की हेल्प से यहाँ पे हमें एक वेरिएबल को यहाँ से रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे हम फिगर से देख सकते हैं, इसे पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम एरिया पे किसी एक टर्म निकाल के इसे पुट कर देंगे, सपोज b का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब यहाँ पे हम b है, जबकि यहाँ पे b स्क्वायर है, देखें तो हम इसमें स्क्वायर कर देंगे, इससे हमें डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट का यानी कि जो डिफरेंशिएशन कॉम्प्लेक्स हो रहा था, डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाए इसलिए हमें
इक्वेशन वन में स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड बाई वन, ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को हम मान ले रहे हैं जेड, जेड इक्वल टू एल स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिए, अगर जेड का वैल्यू मैक्सिमम हो तो एरिया ए का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि ए क्या जेड क्या ए का स्क्वायर, जेड अगर मैक्सिमम होगा तो एरिया भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम यहाँ जेड को मैक्सिमाइज करेंगे, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर कॉन्स्टेंट है, एल यहाँ पे वेरिएबल है। आर कॉन्स्टेंट इसलिए है क्योंकि ये गिवन फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, तो उसका रेडियस कॉन्स्टेंट होगा। इसमें हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कोई भी एक टेस्ट अप्लाई करके मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो डी जेड बाई डी एल का वैल्यू निकालेंगे, एक काम हम ये कर सकते हैं इसका मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी, डी जेड बाई डी एल दिस इज इक्वल टू 2r square l minus 4l cube और maxima and minima के लिए dz by dl equal to 0। तो यहां से ये हो जाएगा 2l common दे सकते हैं आपके, तो ये होगा r square minus 2l square equal to 0। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, दो टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। जब दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो होगा तो इसमें से कोई एक टर्म जीरो होना चाहिए, एल का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब सेकंड वाला टर्म जीरो के इक्वल होगा। तो आर स्क्वायर माइनस टू एल स्क्वायर इक्वल टू जीरो बिकॉज एल कैन नॉट बी जीरो, आर का वैल्यू यहां से हो रहा है अंडर रूट 2L। अब R की इस वैल्यू पे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, d2z / dl2 इक्वल टू ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 2R स्क्वायर माइनस 3/4L L स्क्वायर। इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू हम आर इक्वल टू अंडर रूट 2L पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2L स्क्वायर माइनस 12L स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4L स्क्वायर माइनस 12L स्क्वायर माइनस 8L स्क्वायर विच इज लेस देन 0। आप बोल रहे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पढ़ा है, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव होता देन देयर इज मैक्सिमम, सो देयर इज मैक्सिमम एंड हेंस अगर जेड मैक्सिमम है तो जेड ए स्क्वायर के इक्वल है, देन ए इज मैक्सिमम, ए का वैल्यू मैक्सिमम हो गया मतलब एरिया का वैल्यू मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम एरिया के लिए हमें क्या प्रूव करना है, एल और बी इक्वल होंगे, तो आर का ये वैल्यू हम इसको इक्वेशन टू मान के इसे पुट कर देंगे, पुटिंग आर इक्वल टू अंडर टू एल इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में आर की जगह अंडर रूट 2l पुट करेंगे, देन बी स्क्वायर इक्वल टू दिस इज 2l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, तो ये हो गया l स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर, बी इक्वल टू l और b और l इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, यही हमको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा था, चलिए दूसरा क्वेश्चन और यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं।
एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बोल रहा है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट its height is equal to diameter of base, so ye question is students isme kya bol raha hai, show that the right circular cylinder of given surface, यहाँ पे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है मतलब जिसका सरफेस गिवन है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर ये हो गया इसका सरफेस गिवन है। सरफेस का मतलब इसमें दो तरह की सरफेस होती है, एक तो कर्व वाला सरफेस एंड टॉप एंड बॉटम, टोटल सरफेस क्या हो जाएगा कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, तो ये यहाँ पे सरफेस एरिया इसका गिवन है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए गिवन सरफेस के लिए एंड मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, इसका वॉल्यूम अगर मैक्सिमम हो, सरफेस गिवन है वॉल्यूम मैक्सिमम हो, तो मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ इसका जो हाइट है दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, अगर हाइट को एक्स से इग्नोर कर दें और इसके रेडियस को आर से इग्नोर करें तो इसका डायमीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा, तो यहां पे इस सिलेंडर के लिए हमारे पास गिवन में क्या क्या है, गिवन सरफेस एरिया इसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, और आप लोगों को मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है जो क्वांटिटी हमारे पास गिवन होती है वो एक कांस्टेंट होती है, तो ये गिवन था तो ये वैल्यू कांस्टेंट माने, और हमें प्रूव क्या करना है फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के मैक्सिमम होने के लिए एच इक्वल टू हमें टू आर दिखाना, ये हमको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स इसको प्रूव करने के लिए हम पहला काम क्या करेंगे, जिस क्वांटिटी को मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है उस क्वांटिटी के लिए हम फंक्शन जनरेट करेंगे, उसको वन वेरिएबल में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, किस क्वांटिटी को मैक्सिमम करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी इक्वल टू दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे दो वेरिएबल है इसको हमें वन वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करना, तो इसको वन वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम गिवन क्वांटिटी की हेल्प लेंगे, तो यहां पे एस इक्वल टू आप लोग क्या ले सकते हैं कर्व सरफेस एरिया टू पाई आर एच होती है प्लस एरिया ऑफ बॉटम प्लस एरिया ऑफ टॉप, तो ये हो रहा है टू पाई आर स्क्वायर, यहां पे एस को कांस्टेंट मानते हुए अब इसको हम वन वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं h का वैल्यू निकालना आसान होगा, तो h का वैल्यू यहां से निकाल के इसको पुट कर देंगे h इक्वल टू हो रहा है s माइनस 2 पाई r स्क्वायर बाय 2 पाई r पुटेंगे 1 इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इनटू
एस माइनस टू पाई आर स्क्वायर बाई टू पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये होगा वन अपॉन टू आर स्क्वायर का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एस अपॉन टू आर माइनस, और आर का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा आर क्यू, टू से टू कैंसिल आउट होगा, पाई आर क्यू, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ अपॉन में टू बचेगा, इस टू का स्क्वायर डिवाइड करेंगे एस बाई टू का, ये आर होगा, और इस टू का स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन इस आर का मल्टीप्लाई होकर आर क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वॉल्यूम आ गया, इसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इसमें अप्लाई कर देंगे, तो डी वी बाई डी आर, एस यहाँ पे कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये गिवन क्वांटिटी है, गिवन क्वांटिटी को हम कॉन्स्टेंट मानेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एस बाई टू, आर का डेरिवेटिव वन माइनस थ्री पाई आर स्क्वायर, और मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए डी वी बाई डी आर इक्वल टू जीरो, तो इसका वैल्यू जीरो के इक्वल कर देंगे तो एस बाई टू इक्वल टू थ्री पाई आर स्क्वायर, यहां से आप लोग आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो एस अपॉन सिक्स पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एस अपॉन सिक्स पाई। अब यहां पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डी टू डी अपॉन डी आर टू इक्वल टू ये हो जाएगा जीरो माइनस सिक्स पाई आर, तो डी टू डी अपॉन डी आर टू का वैल्यू का मतलब आर का वैल्यू अंडर रूट एस अपॉन सिक्स पाई, इसका वैल्यू रहेगा माइनस सिक्स पाई अंडर रूट एस अपॉन सिक्स पाई एंड दिस इज लेस देन जीरो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो इसका मतलब बी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सो बी इज मैक्सिमम। अब हमको क्या प्रूव करना है, एच इक्वल टू टू आर, तो इसको प्रूव करने के लिए हम आर स्क्वायर यहां से एस इक्वल टू सिक्स पाई आर स्क्वायर ये वैल्यू हम एस की ये वैल्यू हम इसे पुट कर देते हैं, पुटिंग एस इक्वल टू सिक्स पाई आर स्क्वायर इन, यहां पे इसको हमने इक्वेशन टू मान लिया था, इसको हम इक्वेशन टू इसको मान रहे हैं और इसको थ्री मान रहे हैं, इक्वेशन टू में एस की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा सिक्स पाई आर स्क्वायर इक्वल टू टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर, ये से माइनस हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू टू पाई आर एच, पाई से पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, टू से फोर कैंसिल, तो टू आर इक्वल टू एच, यही हमको प्रूव करना था एच इक्वल टू टू आर। ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और इसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।